एक पर्व है उसको लेकर के शांति समिति का बैठक आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से यहाँ पर दुर्गा पूजा कैसे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए उसको लेकर के यहाँ के पूजा कमेटी और अन्य गणमान्य लोगों के साथ विचार विमर्श किया गया है। नगर पंचायत रोहतास में लगभग 10 से 11 पूजा पंडाल स्थापित होता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके बंजारी समोता वगैरह में भी कुछ दुर्गा पूजा पंडाल वगैरह बनते हैं। तो जो भी यहाँ का जो समस्या है खास करके साफ सफाई को लेकर के बिजली को लेकर के और प्लस शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस उस दिन विसर्जन के दिन कैसे निकले उसको लेकर के विचार विमर्श किया गया है। कुछ लोग को लाउड स्पीकर को लेकर के जो है वो लोगों की स्थिति बनी हुई थी उसको भी स्पष्ट किया गया है। तो हम समझते हैं सारे बिंदु पे बात किया गया है और रोहतास में हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से जो है दुर्गा पूजा को सम्पन्न कराएंगे। दुर्गा पूजा को लेकर के रोहतास पुलिस किस तरह से एहतियातन कदम उठा रही है? पहले तो सभी रोहतास वासियों को आगामी दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पे शांति समिति की बैठक की गई थी जिसमें हम लोग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ सभी विषयों पर चर्चा हुई, उनके जो सुझाव थे शिकायतें थी उनको हमने सुना और कैसे विधि व्यवस्था मेंटेन करते हुए शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से पर्व को निकाला जाए उस पर एक चर्चा हुई थी। तो हमने ये यहाँ से निर्देश दिया है कि जो भी पूजा के लोग रहेंगे पंडाल में, पंडाल की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए जो आयोजक हैं वो इंश्योर कराएंगे कि सीसीटीवीज लग जाए सारे पंडाल पे और जो सर के माध्यम से लाउड स्पीकर की जो परमिशन मिलेगी उसको मेंटेन करते हुए पूजा का माहौल बनाए रखेंगे। हमारे एंड से सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हम लोग करते रहेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि कोई भी इस तरह का पोस्ट नहीं डालें जिससे शांति भंग हो या सौहार्दपूर्ण तरीके से पर्व नहीं निकल पाए, किसी तरह का सामाजिक तनाव नहीं हो। ट्रैफिक के मूवमेंट के लिए हम लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट करेंगे। कल से जलपरी की पूजा शुरू हो रही है तो कल से भीड़ स्टार्ट होगी। जो इम्पोर्टेंट घाट से उसको हमने चिन्हित कर लिया है आज, उन सबका भौतिक सत्यापन हो गया है सारे रूट्स का, तो उसको देखते हुए हम लोग विधि व्यवस्था मेंटेन रहे, सभी चीज़ सुचारू रूप से चलता रहे और पूजा एक अच्छे माहौल में निकल पाए उसके लिए हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। थैंक यू।